हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन अनदर ब्लॉग। तो मैं हूं भरत और आप देख रहे हो भरत आंचल ब्लॉग्स। पर आंचल है अभी ऑफिस, तो आज हम जाएंगे गुड़गांवा। गुड़गांवा क्योंकि गुड़गांव वाला जो मकान है उसकी करवानी है सफाई, क्योंकि छोटू ने 2 दिन बाद चले जाना, फिर हमारे को दूसरा बंदा कोई पकड़ के करवानी पड़ेगी। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई हो जाएगी, कुछ ना कुछ सामान रखना है वहाँ पे, तो फिर इसलिए सफाई होने के बाद ही जो भी सामान रखेंगे वहाँ पर तभी रखेंगे, नहीं तो फिर गंदगी में रखेंगे तो हमारा सामान भी गंदा होगा। इसे पहले चलते सीधा हम गुड़गांवा, गुड़गांवा चले करते हैं मकान की सफाई। तब तक के लिए आप जो भी वीडियो देख रहे हो यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉन टू को, लवर लव्ड वंस को सबसे ज़्यादा शेयर करो। तब तक मिलते हैं हम सीधा गुड़गांवा चल के। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं गुड़गांव वाले मकान में। यहाँ पे देख लो, देख सकते हो आप कितनी खरीदी हो रही है। एक दिन का तो काम है नहीं इसको, देखो कितना टाइम लगेगा इसको साफ करने में, बहुत घंटा हो रहा है। तो चलो इसको अकेला छोड़ दें आप थोड़ी घर के अंदर। तो दोस्तों अब हम करवाते हैं सफाई और आपसे मिलते हैं थोड़ी सफाई करते हुए। फाइनली अब हम आ चुके हैं गुड़गांव। पहले हम गए थे मामा के घर, वहाँ से लिए मकान की चाबी इसकी, तो वहाँ से चाबी लेकर सीधा अपने मकान पर आ चुके हैं। क्योंकि ये हो रहा है बहुत गंदा, बहुत टाइम से खाली पड़ा है, 5-7 महीने हो चुके हैं खाली। चलो भाई, तो दोस्तों देखो कितना गंदा हो रहा है, यहाँ पे भी काफ़ी सामान पड़ा है, यहाँ पर भी देखो कितना गंदा हो रहा है। ये रूम के बाहर एक बड़ा रूम है, ये भी पूरा गंदा है। यहाँ पर भी देख सकते हो ये वॉशिंग एरिया, ये पूरा गंदा, और ये मंदिर है ये भी पूरा गंदा पड़ा है। तो देखो कितना टाइम लगता है साफ करने में, जितना इससे होगा होगा, नहीं तो बाकी किसी और से करा लेंगे। चलो चलते हैं, मिलते हैं सफाई कराते वक्त। ऊपर भी, ऊपर तो भी कराएंगे नहीं, बस नीचे नीचे कराएंगे जो भी कराएंगे। छोटू देख लिया कैमरे में तेरे को, दोबारा दिखाऊं? नहीं नहीं, ओए फिर से देख लिया, क्या बात है। तो दोस्तों फाइनली इतनी देर के बाद, बेचारे की मेहनत के बाद, अब थोड़ा बहुत साफ हो गया क्योंकि पूरा मकान में झाड़ू लग चुकी है। तो अब जाके ये जो मिट्टी दिख रही थी वो अब जाके धरती दिख रही है, ज़मीन दिख रही है। तो देख सकते हो अब आप, तो ये पूरा फर्श दिख रहा है, इधर सीढ़ियों पर भी झाड़ू लग चुकी है, साफ हो चुका है, बाथरूम में भी झाड़ू लग चुकी है, नहाने वाली जगह पर भी लग चुकी है। बस एक ये कमरा है जो रह गया है, क्योंकि एक तो अभी लाइट भी नहीं चालू हुई, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, और ऊपर से यहाँ पर सामान बहुत सारा पड़ा है, तो इसलिए अभी ये कमरा छोड़ दिया, बाकी पूरा हो चुका है, इधर भी पूरा हो चुका है। मेहनत इसकी है, मेहनत इसकी, मैंने कुछ नहीं किया, मेहनत सारी इसकी है ना। और दिखाता हूँ बैक कैमरे, दिखाता हूँ क्योंकि वो कमरे बिल्कुल अंधेरा है, दिखाता हूँ बाकी। यहाँ भी अब फर्श दिख रहा है, वैसे दीवारें खुरचनी थी, अब सफ़ेदी वाले को जाके बुला के लाता हूँ ढूंढ के, कि सफ़ेदी वाला कोई आए बताए कि भाई क्या खर्चा आएगा, क्या काम करेगा अपना घर। ये भी देखो यहाँ पे भी साफ़ हो गया, और यहाँ मंदिर भी सारा साफ़ हो गया। अब ये सारी चीज़ें हटवा देंगे, फटवा देंगे सब कुछ। पहले ऊपर चलते हैं, ये जो जाल दिख रहा है इसको ढकवा देते हैं ताकि मिट्टी अब दोबारा ना आए, और एक वाला जो जाल है जो बाहर लगा हुआ है उसको भी ढकवा देते हैं ताकि मिट्टी ना आए। तो अब चलो पहले ऊपर चलते हैं, यहाँ से ये वाले जाल की बात हो रही है, इसको भी ढक देंगे। अब चलते हैं ऊपर, चाबी ले, ओए चाबी तो है नहीं। तो अभी स्कूटी मेरी मामा ले गया, और मैंने मकान की चाबी भी, ऊपर की भी चाबी, सारी चाबियाँ स्कूटी की डिग्गी में ही डाल दी थी। तो अभी चलते हैं पहले यहाँ पे ताला मार के, थोड़ी देर चलते हैं अभी, चारे कुछ और खिलाते हैं। वैसे तो मैंने पैटीज और कोल्ड ड्रिंक पिला दिया है ना, है तो खा लिए, पहले ही खा लिए, पर अब बेचारे ने मेहनत कर ली, बड़ी देर होगी 1 घंटा हो गया करते, तो झाड़ू झाड़ू लगवा दी, वो तो लगवा दी। अब चलते हैं सीधा मामा के घर, पहले वहाँ से स्कूटी लेते हैं, छत की चाबी लेते हैं, फिर इसको ढकवाते हैं, फिर अपना चलेंगे हम दिल्ली। तब तक बने रहिए, मिलते सीधा मामा घर। हाँ कपड़े ले ले तू, वही ना लियो पहले नानी घर। चलो चलो दोस्तों, मिलते हैं सीधा आपको मामा घर।
तो दोस्तों अब मैंने रखवा दी है यहाँ पर, ये जाली लगवा दी है और यहाँ पर रखवा दी है मैंने इसके ऊपर ईंटें, ताकि पीछे से धूल ना जाए, अगर जाए तो सिर्फ पानी पूरी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मिट्टी ना जाए ताकि दोबारा सफाई ना करनी पड़े। इधर भी ढकवा दिया है और इधर भी ढकवा दिया है ताकि नीचे मिट्टी ना जाए, मिट्टी से बच जाए बस, और क्या है, सफाई तो होती रहेगी दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिर्फ झाड़ू झाड़ू मरवा ली है अब ये सारा। चलो ये गोंडे अंदर कर दे, अंदर कर दे, अब हो गया यहाँ का सारा काम। अब हम चल सीधा मामा के घर, चलो मिलते हैं, चलो मामा के घर चल गए, क्योंकि पहले हमारे साथ पोपट हो गया था। क्यों? क्योंकि जैसे हम जाने लगे थे इतने में देखा कि चाबी तो है नहीं, और चाबी नहीं ऊपर की नहीं, तो नीचे की भी कहाँ से होती, तो फिर इसलिए हम दोनों जा ही नहीं पाए, यहीं बैठ रहे थे। मैं गया था मामा को बुलाने के लिए, फिर स्कूटी लेके आया, फिर चाबी लेके आया ऊपर ही, फिर मैं रखवा दिया। अब सीधा नीचे ताला मारूंगा और सीधा जाऊंगा मामा के घर, ये भी जाएगा मैं भी जाऊंगा, फिर चलेंगे दिल्ली, क्योंकि काम निपट चुका है, बाकी देखेंगे बाद में क्या करवाना है। चलो तो दोस्तों अब मैं मकान से सफाई करवा कर आ चुका हूँ सीमा मासी के घर पे अपनी, और ये देखो ये भाई हमारा कालू, ये अभी भी सफाई के बाद से ये गया नहीं था, अपने घर तो यहीं पे है, और ये बैठा हमारा गोंडा, ये अभी अभी नहा के आया, इसकी शक्ल टट्टी जैसी, अब मैं नहा गया। एक साउंड यार आ रहा है, कॉपी राइट आ जाएगा। और यहाँ पर ये रहा गोलू, ये भाभी से बात, किससे बात कर रहा है, ये नहीं किसी कंपनी में बात कर रहा है इंटरव्यू के लिए, मैं सोचा भाभी से बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, और ये रहा भाई मारा। अरे बस इसकी शक्ल देखो गौर से ध्यान रखना, इसकी गर्लफ्रेंड भी, उसका नाम भावना है, ठीक है भाई, भावना को बीच मत लाओ ऐसे, किसको भावना को बीच मत लाओ, ये कह रहा है, ये देखो इसकी शक्ल गौर से, कौन है तेरी गर्लफ्रेंड, देख रहे हो, सुनो ध्यान से देखना क्या कह रहा, कह रहा मेरी भावना की बात कर, अपनी घरवाली की बात कर देखो। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ घर पर, कपड़े भी चेंज कर लिए और मैं अब घर पे आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया, सफाई भी करवाई और वहाँ से आने जाने में मेन थकावट हो जाती है आने जाने में, तो इसलिए मैं तो जा रहा हूँ सोने। और ये रही भाग रही है, ये रही आंचल, तो मैं जा रहा हूँ सोने, तो अब आप इनके साथ बन रहे, मैं चला सोने, और ये एग्जिट वो लोग का ये कर रहे हैं, लो एंड करो, मुँह बाद में साफ करो, हेलो राधे राधे एवरीवन, ये कलर्स के मार्क है फेस पे, और अब मैं भी जा रही हूँ सोने, दवाई खानी है बस और पीनी है लेमन टी, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और आंचल भरत ब्लॉग्स देखते रहें और सब्सक्राइब भी कर लें। सो गाइस आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भरत आंचल ब्लॉग्स को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करना। तब तक के लिए आप लोग इन्जॉय करें, जय बोलेगी।